और वहीं कोटा में भी ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ईदगाह में अकीदमंदों की भीड़ उमड़ी नजर आई। यहां लोगों ने ईद की नमाज अदा की और अल्लाह ताला से अमन चैन की दुआ मांगी। ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। इसी कड़ी में किशोरपुरा स्थित मुख्य ईदगाह पर काजी अनवर अहमद ने ईद की नमाज अदा करवाई। इस मौके पर उन्होंने बुरी आदतों से दूर रखने की सभी को सीख दी। युवाओं की ओर से समाज और दुनिया को अच्छा पैगाम जाना चाहिए, ये भी काजी साहब ने कहा। और तुम्हारे रास्ता दिखाने के लिए हमने इंसानों में से उन लोगों को मुकर किया जो किताबें हैं, गर्म खीर हो, तोरेत हो, पुराना पास हो, उसमें इंसानों को जिंदगी गुजारने। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।